Hello friends, today we are going to discuss a topic in chemistry, solutions. And as we all know that this topic solution, we are having first and foremost thing we must know about vapor pressure. So in a very simple language, I just want to relate all these topics. What is vapor pressure? Vapor pressure क्या हुआ? एक pressure जो कि vapors के द्वारा लगाया गया, कब लगाया गया? When, as we all know, when rate of evaporation is equal to, when rate of evaporation is equal to rate of condensation, when such type of condition we are having. When rate of evaporation is equal to rate of condensation, and at this particular time, when we are having some liquid, if we might be having, and we put it into a vessel, and some Bunsen burner is there, and इसको जब हम लोग heat up करेंगे, तो यहाँ से जो ये water है, ये क्या vapor में बदलेगा, जिसको हम भाप की भाषा में हम लोग कहते हैं, इससे भाप generate होंगी, और ये वेपर प्रेशर कब बनेगा जब ये भाप है जिसको हम लोग वेपर से जानते हैं वेपर जिसको हम लोग इसको कहते हैं तो जब ये हीट अप होगा ये लिक्विड कंपोनेंट है ये वेपर बनता है तो उस समय एक सिचुएशन एक कंडीशन आने वाली है जब इवापोरेशन जैसी वो भाप बनी वो इवापोरेट हुआ वो लिक्विड और उसी समय अगर वो कंडेंसेशन फॉर्म में है और वो दोबारा वापस रिपीटेशन फॉर्म में हो वाटर बनकर के नीचे आएगा तो इस वेपर जो ये वेपर जनरेट हुआ और उसमें अगर ये कंडीशन जनरेट हो रही है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट दिस टाइम दिस वेपर इज एग्जर्टिंग अ प्रेशर ऑन टू दिस लिक्विड कंपोनेंट फ्रॉम वेयर इट हैज बीन जनरेटेड सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेपर प्रेशर ए वेपर प्रेशर उस पेपर को प्रेशर कहते हैं जिसके द्वारा कि हाँ उस लिक्विड कंपोनेंट पर एक वेपर का प्रेशर लगाया गया है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हम लोग कहते हैं तो इसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं और इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है वेपर प्रेशर इस वेपर प्रेशर से ही संबंधित सारी चीजें इस पूरे टॉपिक में आने वाली है तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं तो वेपर प्रेशर अगर और अच्छे से हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो उसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट दिस पर्टिकुलर टाइम द वेपर फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर वोलेटाइल कंपोनेंट इफ यू आर हैविंग द वेपर्स and this situation if we are getting so the pressure that has been exerted by vapor when the rate of evaporation is equal to rate of condensation this is known as vapor pressure so now we are going to discuss some another topic that is known as ideal solution so as we all know that ideal solution it means a hypothetical solution koi solution ideal ho nahi sakta hai lekin ek hypothetical solution hai और आइडियल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन जैसे कि हम सब लोग अगर बहुत सिंपल उसमें जाने तो सॉल्यूशन कैसे बनता है दो चीजों को मिलकर के सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एंड देन वी आर गेटिंग सॉल्यूशन ये हम सब लोगों को जानकारी है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा हमने कहा कि टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी हमने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन है जो कि एग्जिस्टेंस जिसकी नहीं होती है लेकिन हम लोग उसको इन सॉल्यूशंस के चैप्टर को सॉल्व करने पर ये आइडियल सॉल्यूशंस की टर्मिनोलॉजी को लेते हैं और ये आइडियल सॉल्यूशन कैसे हम लोग बताते हैं उसका आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि सॉल्यूशन पहले कैसे फॉर्म अप होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके अब आपको बताना है अब आपको हम लोगों को ये बताना है कि आइडियल सॉल्यूशन बनता कैसे है तो ये जो सॉल्यूट है और प्लस सॉल्वेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है सॉल्यूशन बनाता है सपोज हमारे पास सॉल्यूट के अगर पार्टिकल सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर छोटे छोटे हम लोग सुगर क्यूब्स ले छोटे छोटे सुगर पार्टिकल्स अगर हम लोग ले और सॉल्वेंट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट में अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग वाटर H2O अगर हम लोग पानी लेते हैं और ये सुगर के हमारे पास क्यूब्स हैं सुगर क्यूब्स वी आर हैविंग और सॉल्यूशन कैसे फॉर्म अप हो जाएगा जैसे अगर पानी का और चीनी का एक घोल बनाना है
तो चीनी और पानी को मिला करके एक सॉल्यूशन जो बनने वाला है, उस सॉल्यूशन को कैसे हम लोग बनाने वाले हैं? तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे जो चीनी के जो क्यूब्स हैं और चीनी के जो शुगर क्यूब्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसको और पानी को मिलाएंगे तो वो जाकर के सॉल्यूशन फॉर्म अप हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे होगा और आइडियल सॉल्यूशंस किसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस सॉल्यूट सॉल्यूट के इस पार्टिकल में एक ही पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल ये है, और इन दोनों के बीच में भी कोई इंटरेक्शन होगा ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इस शुगर क्यूब में जो सॉल्यूट सॉल्यूट, ये भी एक सॉल्यूट पार्टिकल है, ये सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूट, और ये ऐसे बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिलकर के ये सॉल्यूट जनरेट हुआ है। ऐसी सॉल्वेंट अगर है तो सॉल्वेंट को भी हम लोग मानते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, H2O का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो इस तरीके से होता है। और एक हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट होता है, इसको भी हम लोग आगे एक्सटेंड अगर करना चाहें तो ऐसे करके हमारे पास एक वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट होता है, जिसमें कि आप सब लोग जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ रहा है इन केस ऑफ H2O, और जो H2O का बॉन्ड है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है। ऐसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस तरीके से है, और आपके पास सॉल्वेंट पार्ट, और आप सब लोगों को पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, और एक जो वाटर का पार्टिकल मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से दूसरे वाले से जुड़ा है, तीसरा इससे जुड़ा है, चौथा, और ये पांचवा, कहने की बात है कि जो सेंटर पॉइंट पर है वो चार जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनसे जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बना है, और जब भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं, जब भी हाइड्रोजन इज मेकिंग अ बॉन्ड विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड एज वी ऑल आर नोइंग दैट ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दिस इज दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एज वी आर गोइंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइडियल सॉल्यूशंस, सॉल्यूट के पास इतने पार्टिकल्स हैं, ऐसी सॉल्वेंट का भी वो स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें कि उनके बीच में भी कोई इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो हम लोग अगर कहना चाहते हैं, अगर छोटा सा अगर इसको दिखाऊं तो H2O ऐसे बहुत सारे H2O हो सकते हैं जो कि सॉल्वेंट को बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, जैसे सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्यूट, इनके बीच में भी एक इंटरेक्शन है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में भी एक इंटरेक्शन है। और एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों को बताया जाए कि इन दोनों में इंटरेक्शन, सपोज मैं इसको प्रेशर की फॉर्म में लेता हूं कि इन दोनों में जो प्रेशर लगा, सपोज वो पी प्रेशर है, और इनमें हमने कहा पी पास्कल्स का एक प्रेशर लगा है, और इसको मैंने पी पी इसको जनरेट, और फॉर एग्जांपल बताने के लिए इसको हमने कहा कि इस पे पी प्रेशर का फोर्स इस पे लगा है। दूसरा हमने कहा कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में, इनका भी इंटरेक्शन हमने कहा कि वो भी बराबर हो रहा है, पी इसको माना। और जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे, इन दोनों का भी एक इंटरेक्शन होगा। हमने कहा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू एज ए होल सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एज ए होल, हम जब सॉल्यूशन फॉर्म अप कर रहे हैं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी उसी प्रेशर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रेशर को हम लोग क्या कहने वाले हैं, ऐसे सॉल्यूशन को सॉरी हम लोग क्या कहने वाले हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि दोबारा से मैं अगर बताऊं कि आइडियल सॉल्यूशन किससे क्या है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन इन विच देयर इज अ सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड एज ए होल व्हेन दे आर मिक्सिंग टुगेदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड देयर इंटरेक्शन इज ऑल्सो इक्वल, सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी आर फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी आर इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। सो दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन, and we have already discussed about vapor pressure, the pressure that has been exerted by the vapors when the rate of evaporation is equal to rate of condensation. These two basic points we all should know, and then we should go further in this chapter. So these two things in solutions, ideal solutions as well as vapor pressure, these are the two main important points to be discussed. We move forward and to another topic.
अभी हमने पढ़ा वेपर प्रेशर किसको कहते हैं और एडी सॉल्यूशन किसको कहते हैं। इन दोनों के बाद अब नई जो टॉपिक है, जो नया टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और इसको जनरली हम लोग जानते हैं फ्रांसिस मैरी राउट्स जी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने इस फॉर्मूले को जनरेट किया। उन्होंने बताया कि व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज राउट्स लॉ। उन्होंने किस तरीके से इसको बताया कि राउट्स लॉ और वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या चीज है। आइडियल सॉल्यूशन जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अ सॉल्यूशन दैट इज अ हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन इज इक्वल टू द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एंड एज ए होल व्हेन वी आर फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन इन विच देयर विल बी इंटरैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज ऑफ द सॉल्वेंट एंड होल द इंटरैक्शंस आर इक्वल इफ होल ऑफ द इंटरैक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स are same, then such type of the solution which is going to be formed is known as ideal solution. So here we are going to find out the results for vapor pressure of ideal solution. So here the scientist Raoult stated that we have to take volatile components. So as we all know, as volatile, what do you mean by volatile components? All those particles, or what we can say, all those liquid components, if their molecules escapes from the surfaces, such type of liquid components are known as volatile, जो अपने सतह को छोड़ देते हैं, जो उड़ जाते हैं। और जैसे अगर बहुत सामान्य भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक volatile component है, अगर वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो क्या है, उड़ जाता है। तो जो भी ऐसा पदार्थ है, जो भी ऐसा कंपोनेंट है जो सरफेस पर स्केप कर जाता है और वेपर्स में तब्दील हो जाता है, तो उसे volatile component कहा जाता है। तो राउल्ट्स ने कहा, सपोज इफ यू आर गोइंग टू टेक टू कंपोनेंट्स एंड दीज टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, दीज आर द टू कंपोनेंट्स एंड दे आर फॉर्मिंग अ बायनरी, दे आर फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन एंड दीज टू ए एंड बी कंपोनेंट्स, व्हाट आर दीज ए एंड बी कंपोनेंट्स, दीज आर वोलेटाइल कंपोनेंट्स, वोलेटाइल कंपोनेंट्स। और इस चैप्टर में आपको भी बताया गया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, लेकिन सबसे पहली बात इसमें एक नया टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, पार्शियल वर्ड इसमें यूज किया गया है। बाकी वेपर प्रेशर मतलब जैसे हम सब लोगों को पता है कि अ प्रेशर दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय और जनरेटेड बाय और पुट अप बाय वेपर व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट दैट टाइम द प्रेशर दैट हैज बीन जनरेटेड ऑन टू दैट लिक्विड कंपोनेंट इज नोन एज वेपर प्रेशर, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके आगे एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, पार्शियल। तो ऐसी हम सब लोगों को दो तीन चीजों को हम लोगों को जानना जरूरी है कि पार्शियल क्या है, पार्शियल वर्ड यूज किया गया है, पार्शियल वेपर प्रेशर। और एक जो जब सबसे पहला जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया होगा लिक्विड कंपोनेंट पर, तो उसे सबसे पहला प्रेशर, उस सबसे पहले प्रेशर को टर्म दिया गया है पार्शियल वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। भले उसके बाद बहुत सारा प्रेशर लगा होगा, जब एक सिचुएशन बनी होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो जो सबसे पहला वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया लिक्विड कंपोनेंट पर, तो उसे प्योर स्टेट कहा गया। और राउल्ट्स ने वही दो चीजों को देखते हुए उनको बताया कि सपोज वी आर गोइंग टू टेक ए एंड बी, दीज आर द टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स, सो सपोज हाउ ही जनरेटेड दिस फॉर्मूला फॉर ए कंपोनेंट, partial vapor pressure of A is equal to partial vapor pressure of A at pure state multiplied by the mole fraction of A. So this was the formula that was generated by Raoult's law, according to the Raoult's law, that how we are going to deliver or how we going to generate the vapor pressure of ideal solution. This is the formula that partial vapor pressure of any volatile component is equal to the product of its pure state partial vapor pressure and multiplied by mole fraction. This was related by Raoult's. So this is the first reaction we are having, or first equation we are having. For similarly for B, we are having is partial vapor pressure of B is equal to partial vapor pressure of B at pure state multiplied by mole fraction of B.
So combining all these two equations, before combining these two equations, we must know what is P naught A and P naught B. So P naught A means the actual, अभी जैसे हमने आपको बताया सबसे पहला प्रेशर जो कि वेपर के द्वारा जो लिक्विड कंपोनेंट पे बनाया गया है तो उसको हम सबसे पहले प्रेशर को हम लोगों ने प्योर स्टेट पार्शियल प्रेशर कहा है. सो दिस इज पी नॉट ए, दिस इज प्योर स्टेट पार्शियल प्रेशर, प्योर स्टेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड दिस इज प्योर स्टेट partial vapor pressure of B component. And as we all know that A and B both are volatile component. So as we all know, by forming the solutions, according to Dalton's law of partial pressure, pressure of a solution, how we are going to give the total pressure that has been exerted by these two components. So this is total pressure P is equal to the individual components A and individual component of B, the total pressure that has been generated according to Dalton's law of partial pressure of a solution is equal to the sum of the individual partial pressure of these two volatile components. So this is P is equal to PA and plus PB. And as we all know, one more thing we have to decide, mole fraction of A, how we are going to discuss. Mole fraction of A is given by number of moles of A divided it by number of moles of A plus number of moles of B. And similarly, the mole fraction of B is equal to number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. Combining these two XA plus XB, if we combine XA plus XB, we will be getting a unity. XA plus XB is equal to 1. So from these two mole fraction, we are having, when we are adding these two mole fractions, we are getting 1 as our answer. We can solve also. So according to Dalton's law of partial pressure, the individual pressures sum is equal to total pressure. So if we are going to write PA means P naught A into XA plus P naught B into XB, and if XA plus XB is equal to 1, so in place of XA we can also write 1 minus XB. XA plus XB is equal to 1, and at the last from here what we can write in case of or in place of XA is equal to 1 minus XB. So put it here, P is equal to P naught A in place of XA, but we can write 1 minus XB plus P naught B into XB. So as a whole, this is P naught A plus P naught B XB minus P naught A minus P naught A XB and plus P naught B XB. As a whole, but we can write P naught A plus XB P naught B minus P naught A. So as a whole, this Dalton's law, according to this Dalton's law of partial pressure, this last equation we are getting is known as Raoult's law. This is known as Raoult's law equation. So as a whole, this is Raoult's law and how we are going to derive it, what Raoult stated about the vapor pressure of ideal solutions, how we are going to calculate it, that this is a, we have to take two volatile components and after that we have to form a solution also, and how we are going this partial vapor pressure of A, partial vapor pressure of B, total pressure, how we are giving the mole fraction of A, mole fraction of B, how we are going to calculate, and in place of XA, what we can write 1 minus XB. As we all know, the terminology P naught A, P naught B, but these are
P naught A and P naught B. These are the pure state partial vapor pressure of individual component A and B. When the हम जब इसको कहते हैं कि सबसे पहला जो pressure है वो pure state का जो pressure आता है, जो सबसे पहला pressure आता है, तो उस पहले pressure को term दिया गया partial vapor pressure of that particular components. तो इसके बाद हम लोग आगे discuss करेंगे lowering of vapor pressure. ये Raoult's law यहाँ पर खत्म होता है.